अफान के तो इतने सारे इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, तौबा नहीं आपके भी हैं, मैंने लड़कों के कुछ कम देखे उसमें आप जीत रहे हैं। आई थिंक अच्छी नीयत से हम काम करते हैं और हमें बस होता है कि अच्छा करना है, और ये सिर्फ अकेले मुझे अगर फील होगा तो वो अच्छा नहीं होगा, तो आपके को एक्टर को भी यही फीलिंग होनी चाहिए। तो अफान भी बिल्कुल इसी तरह की, हम लोग को बस जब स्क्रिप्ट आ जाता है और जब तो हम कहते हैं यार बेस्ट हमने very hard working, very sincere to her craft, very honest and an amazing co-star. It's always a pleasure. Thank you Afan, aapka bahut thank you man, this is say karam Afan bhi ye sab kuch Afan ke liye bhi hai, main hamesha interview mein kehti hu, aur jab definitely hum ek dusre ko jante hote hain, mere bachcho ke bade favorite hai Afan Mukherjee, to wo ek family wala scene hota hai, to fir wo acha hum kaam bhi friendly tarike se karte hain। देखिए एक तो ये चीज़ है कि व्हेन यू बाउंस ऑफ ईच अदर ऑन स्क्रीन यू बाउंस ऑफ, आई मीन देयर डजंट हैव टू बी अ रीजन बिहाइंड इट, लेकिन फ्रेंड्स होना आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं हीरा को कंफर्टेबल फील करता हूँ ऑन स्क्रीन, आपके कुछ सीन्स ऐसे होते हैं कि आप हर एक के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, मुझे पता है अगर हीरा को अच्छी एक चीज नहीं लगेगी तो वो मुझे कह देगी, तो वो कंफर्ट लेवल जो है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम कहते भी हैं, जैसे अफान कुछ सीन्स मुझे बताते हैं कि हीरा आप इस तरह बोले, आप इस तरह करें, अमूमन जो है मुझे नहीं पता, वैसे मैंने कभी नहीं बताया किसी को, लेकिन अफान लोग समझते होंगे कि यार बताएंगे तो बुरा लगेगा, लेकिन अफान आप मुझे बताते हैं सुनती भी बिल्कुल सवे से सुनती हूँ और मुझे कॉपी भी करती हूँ बहुत अच्छा सीन में, बट इट्स ऑलवेज ऑलवेज अ प्लेजर वर्किंग विद हीरा एंड शी इज अमेजिंग। थैंक यू अफान, आई थिंक अफान हमारे फैंस हमें देखना चाहते हैं साथ, और वो दो बोल के बाद से टू बी वेरी ऑनेस्ट हम दोनों को वो जब भी देखते हैं साथ में, तो वो इंस्टाग्राम हो या वो फेसबुक हो या वो कोई भी सोशल ऐसी जगह हो, वो बिल्कुल क्रेजी हो जाते हैं। लेकिन मैं एक सही बात बताऊँ, ये कोई प्रोफेशनल स्टेटमेंट नहीं है कि मैंने यहाँ पर इंटरव्यू में ये बात करनी है, आई थिंक ये ऑडियंस का बड़ा बन है कि वो हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, हमें जानते नहीं, हमें ये भी नहीं पता कि हमसे कभी मुलाकात होगी या नहीं होगी, बट इवन देन दिस लव अस, आई थिंक दैट्स अमेजिंग।